सो फार हम लोगों ने हंटिंग कोडर में एंड पॉइंट्स बनाए, हम लोगों ने देखा कि इस तरह से ये एपीआई से बात कर सकता है हमारा फ्रंट एंड। नेक्स्ट जेएस सिर्फ फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क नहीं, बैक एंड का फ्रेमवर्क भी है, ये भी प्रूव हमने कर दिया। एपीआई राउट्स बड़ी कमाल की चीज़ है, हम लोगों ने कई बनाया। आज के इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग गेट ब्लॉग एपीआई रूट, यानी कि अगर हमारा एक पोस्ट है जो कि हमने डाला हुआ है उसको किस तरह से डिस्प्ले कराना है एपीआई की मदद से। आइडियली हम ये सारा काम किसी डेटाबेस जैसे कि MongoDB या फिर MySQL इससे करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने वही फाइल सिस्टम को रीड करके ब्लॉक को फेच कराएंगे एपीआई के थ्रू। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं ये सारे काम किस तरह से किए जाते हैं। जल्दी से अपना सर्वर स्टार्ट करूंगा यहाँ पर यार्न डेव लिखकर, और यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पर आ जाऊंगा। ये रही हमारी प्लेलिस्ट, लेकिन एक मिनट, एक्चुअली मैं यहाँ पे गायब हो चुका हूँ। ये क्या हो रहा है? और उसका रीज़न ये है कि मैंने ग्रीन शर्ट पहन रखी है, तो मैं जल्दी से टी शर्ट चेंज करके आता हूँ। ओके, सो वी आर बैक विद अ न्यू टी शर्ट, और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने डार्क मोड को इनेबल कर लिया है। उसका रीज़न ये है कि जो मेरी आँखें हैं, मेरा चश्मा है, उसमें रिफ्लेक्शन दिखता है स्क्रीन का कभी कभी, बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही थी, तो मैंने डार्क मोड को इनेबल कर लिया और एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर ली जिसका नाम है डार्क मोड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हंटिंग कोडर में भी मैं डार्क मोड ले आऊँगा। तो बाय डिफॉल्ट तो हंटिंग कोडर ऐसा दिखता है, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ इसको ताकि एक तो डार्क मोड को देखने में ईजी रहता है और उसी के साथ साथ आप लोगों को रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखेगा मेरी आंखों में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और अभी तक के जो हमारे कमिट थे उसमें आप लोगों ने क्या देखा था, उसमें आप लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग ब्लॉग को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अभी तक का हंटिंग कोडर कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप लोग जाते हो ब्लॉग में तो आपको एक्चुअल फाइल्स देखने को मिलती हैं। कौन सी एक्चुअल फाइल्स हैं? ये वो एक्चुअल फाइल्स हैं जो कि हमारी इस डायरेक्टरी में पड़ी हुई हैं, ब्लॉग डेटा नाम की डायरेक्टरी में। ठीक है, तो ब्लॉग डेटा नाम की डायरेक्टरी का डेटा हम देख रहे हैं, और ये जो कंसोल डॉट लॉग मैंने कराया था फॉर सम रीज़न, उसको मैं यहाँ से हटाऊंगा। कहाँ गया कंसोल डॉट लॉग पास जो मैंने किया था उसको मैं हटाऊंगा। आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, इससे चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को सही दिखेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या टारगेट है, अगला टारगेट क्या है? क्या मैंने कहीं और भी कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है? हाँ किया हुआ, यूज़ इफेक्ट इज़ रनिंग। ठीक है, चलो इसको रहने देता हूँ। अब हमारा अगला टारगेट यहाँ पर यह है कि जब हम किसी ब्लॉग को खोलेंगे, जब किसी ब्लॉग को हम लोग खोलेंगे तब क्या होना चाहिए, तब हमको देखना चाहिए एक तो टाइटल एक्चुअल उस ब्लॉग का, और उसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर ब्लॉग का कंटेंट देखना चाहिए, ना कि ये लॉरम इप्सम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट API और ब्लॉग पोस्ट स्लैश गेट ब्लॉग, आई थिंक इट वॉज गेट ब्लॉग API के अंदर गेट ब्लॉग। तो गेट ब्लॉग को मैं क्या करूँगा, गेट ब्लॉग को मुझे देना पड़ेगा एक स्लग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको एक स्लग दूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट ब्लॉग। मैंने डार्क मोड इनेबल कर लिया है, आई होप कि आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि बैकग्राउंड ग्रे कैसे हो गया, बैकग्राउंड तो ग्रे कभी किया ही नहीं था हमने CSS में, ऐसा मत लिखना। ठीक है, मैंने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करी है, इसका नाम है डार्क मोड। ठीक है, तो डार्क मोड एक्सटेंशन अगर आप लोग लिखोगे तो ये वाली एक्सटेंशन है। ठीक है, इनकेस यू आर गेटिंग कन्फ्यूज, ठीक है, डार्क मोड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि गेट ब्लॉग क्वेश्चन मार्क स्लग इज इक्वल टू हैरी, नहीं हम लोग लिखेंगे लेट अस से कहा गया हमारा हाउ टू लर्न फ्लास्क। ठीक है, हाउ टू लर्न फ्लास्क, और यहाँ पर हमको ये कंटेंट मिल जाएगा, टाइटल कंटेंट स्लग, ये पूरा का पूरा ये सब रीड हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि जब भी मुझे कोई एक URL इस तरह का मिलेगा तो मैं कोशिश ये करूँगा ढूंढने की कि यहाँ पर क्या ब्लॉग एग्जिस्ट करता है, क्या मेरी इस डायरेक्टरी में इसका ब्लॉग एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो दिखाओ, नहीं करता है तो बताओ। ठीक है, करता है तो दिखाओ और नहीं करता है तो बताओ कि नहीं करता है। ठीक है, तो मेरा कहाँ गया ब्लॉग पोस्ट, मेरा यहाँ पर है slug.js। तो मेरा यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जो मेरा request.router.query है जो कि मुझे slug प्रदान कर रहा है वो मुझे लेकर आना है, और उसके बाद मुझे कंटेंट को पॉपुलेट करना है। तो मैं वही करूँगा जो कि मैंने यहाँ पर करा था, यूज़ इफेक्ट। ठीक है, यूज़ इफेक्ट स्निपेट यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको हटाऊँगा और यहाँ पर फेच API का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पर पता है किस चीज़ की मदद लेने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया उसकी मदद, क्योंकि मैं एक चीज़ को बार बार नहीं लिखना चाहता। और यहाँ पर ये तो मेरी API है शायद, हाँ मेरी API है, मैं यहाँ पर ये वाले blog.js की मदद लेना चाहता हूँ। मैं ये फेच API को यूज़ करूँगा, फेच API का सिंटेक्स रेडी है। और यार देखो यही होता है, हर बार यही होता है, आप लोग एक बार करोगे किसी चीज़ को
उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। और आप लोग को सुनने में ये लगेगा कि यार ये क्या सिखा रहे हो, लेकिन मैं सही चीज़ सिखा रहा हूँ यार। देखो, आप लोग अगर फेच एपीआई को इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 15 और लाइब्रेरी उसके बाद इस्तेमाल करोगे और आपको याद थोड़ी ना रहेगा कोई सिंटेक्स। आपका कन्फ्यूज़ होना बहुत कॉमन है इस चीज़ में, बहुत नॉर्मल है इस चीज़ में, ठीक है। आप लोग अगर ये डॉट देन का सिंटेक्स भूल जाते हो तो दैट इज़ टोटली नॉर्मल यार, ठीक है। बस अगर आपको समझ में आता है हाँ यार ये वाली प्रॉमिस से ये होता है, ये वाली प्रॉमिस में ये होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ठीक हैं। बट यहाँ पर आप लोग अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सिर्फ सिंटेक्स और चीज़ों की समझ रख रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन, ठीक है। विद दैट सेट हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लेकर आएंगे इस फेच एपीआई वाले सिंटेक्स को, ठीक है। कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ बैकटिक्स का। और क्यों करूँगा बैकटिक्स का इस्तेमाल, ये आप लोगों को भी पता चलेगा। ये जो हाउ टू लर्न फ्लास्क है ना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा डॉलर लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूँगा स्लग। बट ये स्लग क्या है, स्लग मेरा यहाँ से आने वाला है राउटर डॉट क्वेरी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट में ले आऊँगा इसको स्लग को, ठीक है। कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू ये स्लग मैंने यहाँ पर ले लिया और ये स्लग की सहायता से फिर मैंने फेच कर लिया। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट ब्लॉग। तो अब मैं यहाँ पर एक ब्लॉग नाम का बनाऊँगा स्टेट, ठीक है। एक स्टेट बनाऊँगा ब्लॉग नाम की। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करूँगा यूज स्टेट और मैं कुछ इस तरह से करूँगा, ठीक है। ब्लॉग सेट ब्लॉग इज इक्वल टू यूज स्टेट और इसको मैं अनडिफाइंड रखूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्लग है ब्लॉग का जो स्लग रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्लॉग डॉट स्लग, ब्लॉग डॉट स्लग, ठीक है। और ये चीज़ एरर भी थ्रो करेगी, वो भी बताऊँगा क्यों करेगी, ठीक है। ब्लॉग डॉट स्लग और इसके बाद ब्लॉग डॉट कॉन्टेंट, कॉन्टेंट था ना, कहाँ गई हमारी ए पी आई में कॉन्टेंट था ना, हाँ कॉन्टेंट था और स्लग था, कॉन्टेंट था, ऑथर था, टाइटल था, ठीक है। और ये आ गया टाइटल, ये आ गया सॉरी स्लग नहीं यार टाइटल नॉट स्लग टाइटल कंटेंट, ठीक है। और अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये चीज़ मैंने कहा था एरर थ्रो करेगी, उसका रीज़न ये होगा कि फेच एपीआई रन होने में लेगी टाइम, ठीक है। और ये जो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है ब्लॉग, ये सेट होने में टाइम लेगा और क्योंकि ये सेट होने में टाइम लेगा इसलिए ब्लॉग डॉट टाइटल अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो मेरा क्या एरर आ रहा है ये देखता हूँ पहले, इज़ नॉट एक्सेप्टेड अपडेट प्रोपोगेशन, मैं इसको ज़रा रिलोड करता हूँ। हाँ देखो यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, चलो ये तो बहुत ही बेसिक सा एरर है, ठीक है। यूज स्टेट यहाँ पर क्या मुझे कोई तरीका नहीं है यूज स्टेट को शॉर्टकट में इंपोर्ट करने का, यूज स्टेट, चलो कोई नहीं हम लोग टाइप कर लेंगे, ठीक है। रिलोड करो, यूज इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, ठीक है। अब कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टाइटल, जो मैंने बोला था वो एरर आ गया, समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे ब्लॉग एंड। ये करने से क्या हुआ भाई, आपको ये करने से क्या हो गया, अगर ब्लॉग डिफाइंड होगा तभी ये चीज़ पॉपुलेट होगी, वरना ये चीज़ पॉपुलेट नहीं होगी। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको रिलोड करूँ अभी, तो अब यहाँ पर देखो इनवैलिड हुक कॉल, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ अ फंक्शन कंपोनेंट, दिस कुड हैपन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब समझना यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ यूज़ राउटर का, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूँ स्लग इज इक्वल टू राउटर डॉट क्वेरी, तो राउटर हमारा रेडी है ही नहीं, तो रिएक्ट में इस चीज़ को सॉल्व कुछ इस तरह से किया जाता है। मैंने राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर यहाँ पर कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा राउटर डॉट इज रेडी, ठीक है। जैसे ही राउटर डॉट इज रेडी चेंज होगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस चीज़ को रन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि राउटर डॉट इज़ रेडी एक बूलियन जो कि रिटर्न करता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चेंज होता है तो यूज़ इफेक्ट को दोबारा से रन करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इफ़ राउटर डॉट इज़ रेडी, तब क्या करो रिटर्न, ठीक है। मैंने कहा इफ़ राउटर डॉट इज़ रेडी रिटर्न, सॉरी मुझे इसको इफ नॉट ऑफ राउटर डॉट इज रेडी करना पड़ेगा कि यार अगर राउटर रेडी नहीं है तो रिटर्न कर दो। और जैसे ही चेंज होगा राउटर डॉट इज रेडी, ये इफेक्ट दोबारा से रन होगा और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा ये पॉपुलेट हो चुका है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये कैसे किया, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है हमको, तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो यार यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को लेकर आऊँ दोबारा से कोड में, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ नॉट ऑफ राउटर डॉट इज रेडी, यानी कि अगर राउटर रेडी नहीं है, देखो राउटर को क्या करना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा। एक बार राउटर रेडी हो गया उसके बाद ही हम लोग राउटर डॉट क्वेरी इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ नॉट ऑफ राउटर डॉट इज रेडी हमने कह दिया रिटर्न, ठीक है। कॉन्स्ट लग इज इक्वल टू ये लिखा हमने और रिटर्न कर दिया हमने ए डॉट जेसन, ये तो हम सारा काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमने ये भी कहा कि अगर राउटर डॉट इज रेडी चेंज होता है, जो कि हो गई, एक टाइम पर रेडी हो जाएगा राउटर, तो दोबारा से इफेक्ट को रन करो। और इस बार ये चीज़ जो है
नहीं एग्जीक्यूट होगी क्योंकि हमारा राउटर इस बार रेडी हो चुका है, ठीक है, और ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, राउटर रेडी है इसलिए हमें राउटर डॉट क्वेरी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट ये रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप लोग जिस तरह से कर सकते हो इसको, ठीक है। वापस आते हैं हंटिंग कोडर पे और यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि हमारा ये पॉपुलेट हो चुका है ब्लॉग अभी। सो या अब हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे पेजेस पॉपुलेटेड हैं, ब्लॉग में हमारे पास पॉपुलेटेड है सब कुछ, और हमारे पास यहाँ पर होम पे भी सब कुछ पॉपुलेटेड है। ये जो लेटेस्ट ब्लॉग्स हैं ये शायद मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ मैं बाद में करूँगा जब मैं आप लोगों को और कॉन्सेप्ट्स बता दूँगा। अगर मैं डार्क मोड को हटा दूँ जो कि मैंने लगा रखा था, तो ये ऐसे दिखाई पड़ता है। देखो, हाउ टू लर्न फ्लास्क, हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट। हाँ, मुझे पता है कहीं ना कहीं मैं इसके साइज़ को भी चेंज करना चाहूँगा फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू लर्न फ्लास्क। और अगर मैं इसके साइज़ को चेंज कर ही दूँ तो कैसा रहे, ब्लॉग आइटम H3, ब्लॉग आइटम H3 को मैं यहाँ पर जो मेरा ब्लॉग पोस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सॉरी ब्लॉग डॉट मॉड्यूल डॉट CSS है, इसमें चेंज करूँगा। कहा गया मेरा ब्लॉग डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। अगर मैं यहाँ पर ब्लॉग आइटम H3 के फॉन्ट साइज़ को मान लो 1 RAM करता हूँ, ठीक है, या फिर 2 RAM करता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा, थोड़ा ऐसा दिखेगा, ठीक है, विच इज़ फाइन, लुक्स ओके, ठीक है, इनफैक्ट लुक्स गुड यार, लुक्स क्लीन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मुझे और करनी पड़ेगी, शायद मैंने जो पैडिंग वगैरह दी है इसके ऊपर नीचे उसको मुझे कम करना पड़ेगा। तो ये जो पैडिंग मैंने दी है, अगर मैं यहाँ पर इसको पैडिंग ज़ीरो कर दूँ तो कैसा रहे, पैडिंग भी ज़ीरो कर दी, ठीक है, हाँ, पैडिंग ज़ीरो थोड़ी सही लग रही है इस पर, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मार्जिन भी ज़ीरो, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है यार, सॉरी ऑटो नहीं, और वो होता है M-0, अगर आप लोग लिखते हो और एंटर मारते हो M-0 मार्जिन 0 यहाँ पर कर देगा, और P-0 अगर आप लोग करते हो P-0 तो पैडिंग 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो मार्जिन 0 पैडिंग 0 करने पर ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, विच लुक्स फाइन, विच लुक्स ओके। जब हमारे पास बहुत सारे ब्लॉग्स होंगे तो ये और क्लीन दिखेगा, ठीक है। होम पेज पर भी मैं सेम चीज़ कर दूंगा बाद में, अभी नहीं, अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स और बताने हैं आप लोगों को, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ प्री रेंडरिंग, कि प्री रेंडरिंग किस तरह से की जाती है और क्यों करी जाती है, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्री रेंडरिंग के बारे में, और हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से ये जो डेटा है ये ऑन द सर्वर या फिर पहले से हम लोग रेडी करके रख सकते हैं। अगर आप लोग अभी का सिनेरियो देखो तो ये अगर मैंने ब्लॉग यहाँ पर खोला और मैं इसको रिलोड करूँ अगर, तो ये एक्चुअल में रिएक्ट की तरह ही मैं हाइड्रेट कर रहा हूँ इसको। हाइड्रेट का मतलब यहाँ पर जो कंटेंट लेकर आ रहा हूँ वो यहीं पर फ्रंट एंड पर लेकर आ रहा हूँ। अगर मैं नेटवर्क दिखाऊँ आपको, इसको रिलोड करूँ, तो आप देखो यहाँ पर API इसको यूज़ किया जा रहा है। कहाँ गई गेट ब्लॉग, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं API को इस्तेमाल करूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑलरेडी डेटा यहाँ पर लोड होता हुआ आए। अगर मैं यहाँ पर व्यू पेज सोर्स करूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल F करके फ्लास्क लिखूँ तो मुझे दिखेगा ही नहीं फ्लास्क, मतलब देख रहे हो आप लोग हाउ टू लर्न फ्लास्क है और यहाँ पर कंट्रोल F फ्लास्क करने से सोर्स कोड पे दिख ही नहीं रहा है। इससे क्या होगा, जो सोशल मीडिया बॉट्स हैं उनको मेरा डेटा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया बॉट्स जो है जावास्क्रिप्ट को रन किए बिना इस सोर्स कोड को देखेंगे, और इस सोर्स कोड में अगर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो शायद वो मुझे प्रेफरेंस ना दें और उस इंसान को प्रेफरेंस दें जिसके कोड में ये चीज़ दिख रही है, जिसके कोड में कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। और ये बड़ा आसान हो जाएगा सोशल मीडिया बॉट्स के लिए स्क्रैप करना पेज, अगर मैंने अच्छी तरह से इसको हाइड्रेट किया अपने सोर्स कोड में भी। अपने यहाँ पर ब्लॉग में तो मैं, मेरा जो मेन पेज है उसमें तो मैंने यहाँ पर पॉपुलेट कर ही दिया डेटा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे सोर्स कोड में भी पॉपुलेट हुए डेटा। तो आई होप कि आने वाले वीडियोस में आप लोग और अच्छी तरह समझ जाओगे, और अभी तक तो यार समझ ही गए हो कि ये ब्लॉग किस तरह से काम करता है। प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना Next.js की, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करी है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।